मटीरियल डाउनलोड की तरफ। मटीरियल डाउनलोड यहां से करना है, टास्क इसमें स्टूडेंट मटीरियल, स्टूडेंट मटीरियल को टिक करेंगे ना तो सबसे पहला जो काम आएगा ना वो ये आएगी, क्लासेस को आपने मैप करना है, यानी प्ले ग्रुप ये है ब्रांच क्लास, ये आपने जो क्लासों के नाम रखे हैं ना वो हैं। हो सकता है आप इसका कोई नाम ही कोई अजीब सा रख दें, आप प्ले ग्रुप को सेक्शन का नाम ना दें, प्ले ग्रुप को आप लिख दें जी ट्यूलिप, या आप लिख देते हैं जी जूनियर क्लास, या आप लिख देते हैं जी केजी, कुछ भी लिख देते हैं। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन की क्लास के साथ इसको पहले मैच करना पड़ेगा। प्ले ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन क्लास क्या है, पीजी, देखें सारी खुली हुई हैं, आपने उसमें से पीजी को टिक कर लेना, ये इस तरह आप सारे ये टिक कर लेंगे। सबसे पहला काम आपने ये करना, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि ये क्लासेस आपकी हैं जो आपके सॉफ्टवेयर पे बनी हुई हैं। हो सकता है कि किसी ने कोई क्लास का नाम ही जुदा सा रख दिया हो, ठीक है ना, चंदा क्लास रख दिया हो, बेबी क्लास रख दिया, पता नहीं क्या 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 नाम रख दिया हो। तो आप वो जो बेबी क्लास रखा है आपसे पूछा जाएगा, अच्छा जी बेबी क्लास है कौन, और सर थी जी प्ले है ना उसी बेबी कहने हैं, ठीक है ना। तो फिर आप वो बेबी क्लास को किससे जोड़ देंगे, प्ले के साथ। अंडरस्टैंड कर गए बात ये, या इसलिए पहले पैरेलल ये क्लासेज जोड़ देंगे, ये जुड़ी हुई हैं इस वक्त यहाँ पर, ठीक है। आगे चले जी, दूसरा सब्जेक्ट मैपिंग, उसके बाद सब्जेक्ट्स हैं, हमने जो सब्जेक्ट्स के नाम रखे हुए हैं वो ये हैं, ऑर्गेनाइजेशन में आपके ये हैं। हो सकता है आपने कोई नाम डिफरेंट रखा हो, आपने केमिस्ट्री को खाली सी एच ई लिख दिया हो और हमारा जो लिखा हुआ वो केमिस्ट्री के स्पेलिंग पूरे हैं, तो लिहाजा आप उसके साथ पहले वो जो 28-30 सब्जेक्ट्स की लिस्ट है ना उनकी मैचिंग करनी पड़ेगी। ये बाई चांस सेम ही है, क्योंकि हमने खुद अपने हाथ से काम किया ना, हमने अपनी ब्रांच में भी सेम रखे हैं और ऑर्गेनाइजेशन में भी सेम रखे हैं, लिहाजा आपको यहाँ पर फर्क कोई नहीं नजर आ रहा, लेकिन मैच हमने भी किए हैं चाहे सेम है। इस तरह आप भी मैच कर लेंगे, पहले हर सब्जेक्ट के सामने दूसरा सब्जेक्ट उस तरह का कर लेंगे। 28-30 सब्जेक्ट की लिस्ट है जो टोटल प्ले से लेकर क्लास 10 तक घूमती है, अंडरस्टैंड। चलो जी तीसरा स्टेप, अब ये काम जिंदगी में एक ही मरतबा हुआ है, अब इधर ही रहना डाउनलोड मटीरियल, इसको क्लिक किया डाउनलोड मटीरियल, एक मिनट भी, एक मिनट, ये ऑप्शन सामने आ गए, ठीक है। सबसे पहले ऊपर क्या पूछता है, सेमेस्टर, आपने दिया फर्स्ट सेमेस्टर, क्लास आपने दे दी जी पीजी, वीक वीक वन, सेलेक्ट टाइप वर्कशीट, सब्जेक्ट्स नहीं देने यहाँ पर, सेलेक्ट सब्जेक्ट्स नहीं देने यहाँ पर, याद रख लें आपकी वर्कशीट A4 साइज की होती है, तो आपने यहाँ पे A4 साइज, दूसरा साइज भी है लीगल या फोलियो, आपकी A4 की होती है, आपने A4 वैसे बाय डिफॉल्ट भी A4 ही पड़ा हुआ है, और उधर लैंडस्केप करनी है या पोर्ट्रेट, और आपकी पोर्ट्रेट ही आती है, लैंडस्केप रिपोर्ट अभी तक नहीं बनाई। ये इन फ्यूचर को इस तरह की चीज़ आती है, हमें लैंडस्केप करनी पड़ जाती है, इन फ्यूचर को ऐसी चीज़ आती है हमें बड़े सफ़े पर करनी, उसके लिए ये अभी से सेटअप बना दिया इन फ्यूचर को मद्देनजर आकर, ठीक है। तो सर्च करें जी, जब सर्च किया इसको, हाँ जी, तो ये पोजीशन आ गई जी, ये पोजीशन क्या आई, उसने कहा तीन सब्जेक्ट्स हैं, तीन वर्कशीटें हैं, ड्राइंग की, उर्दू की और मैथमेटिक्स की पहले वीक में, अंडरस्टैंड। यहां से क्लास पकड़ी, प्ले ग्रुप सेक्शन, सारे बच्चे मुंतक कर ले, पांच बच्चे हैं, पांचों की ड्राइंग डाल दे, ठीक है, ड्राइंग को कर, वो ड्राइंग सामने भी आ गए, डाउनलोड, ये देखे जी डाउनलोड हो गए, ये ले जी तस्वीरें लगी होती बच्चों की तो वो भी आनी थी यहां पर, ठीक है, तस्वीर वगैरह भी आनी थी, स्कूल का नाम भी आना था यहां पर, अभी तक आपने इमेज अपलोड नहीं किया हुआ तो स्कूल का नाम नहीं आ रहा। अच्छा अब आगे चलिए, यही फर्स्ट सेमेस्टर है और वर्कशीट की जगह असेसमेंट आ जाती है बिलफर्द, लेकिन ये असेसमेंट देखे कोई और क्लास ले ले जिसमें असेसमेंट है, असेसमेंट वो अगले हफ्तों में जाके आ जाएगी ना असेसमेंट, अब ये वाला पेज लगना असेसमेंट में, ये वाला पेज लगाना बड़ा पेज लीगल वाला, सर्च मारे, ये तीन असेसमेंट्स आई हुई है इसमें, डाउनलोड, ये इतनी ही देर लगाती है जी बस,
ये सारे बच्चों की डाउनलोड हो गए। प्रिंट करें तो बेशक चाहे प्रिंट कर ले डायरेक्ट या इसका पीडीएफ बना ले, ठीक है ना। हाँ जी, क्या कह रही है? और ये प्रिंट करके देखते रहेंगे हैं दारे। ये जब आप प्रिंट करते हैं तो अपने पेज की सेटिंग भी करनी होती है ना, कि लीगल फोलियो पेज लिया है तो उसकी सेटिंग करके फिर प्रिंट आउट निकाल लें ताकि बिल्कुल एग्जैक्ट निकले, बिल्कुल एग्जैक्ट निकले। अच्छा, यहाँ पर से वर्कशीट भी होगी, असेसमेंट भी होगी, नोट्स। ये देखें जी, नोट्स आपने किए थे, आपने किए थे नोट्स अपलोड करने के लिए। आपसे आपको नोट्स भी इसके ऊपर अपलोडेड ही मिलेंगे, ठीक है ना। ये फर्स्ट सेमेस्टर के चढ़े हुए नोट्स। ये देखें, ये नोट्स हैं, ये प्रेप क्लास के नोट्स हैं, वो भी मौजूद हैं, वो भी आ गए, ठीक है। नोट्स भी आ गए इसको। हाजी आप, अच्छा जी, ये देखें वर्कशीट भी, अपना असेसमेंट भी और नोट्स भी, तीनों चीज़ें हो गई। और क्या क्या चीज़? हाँ, वीकली प्लानर। ये वीकली प्लानर भी आपका आ गया। सिलेबस भी आपने दिया हुआ था, ये सिलेबस। ये फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस भी आ गया सारा, ठीक है। सिलेबस, वीकली प्लानर, वर्कशीट्स, असेसमेंट एंड नोट्स, पांच किस्म की चीज़ें आ गई इसके ऊपर। और यही पांच चीज़ें आपके पूरे स्कूल में घूमती हैं, रोज़ाना वर्कशीट या असेसमेंट, और पूरे हफ्ते का वीकली प्लानर, और पूरे सेमेस्टर का सिलेबस, और पूरे सेमेस्टर के नोट्स। ये सारी चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स पर हैं, जैसे मर्जी डाउनलोड करें और इसको इस्तेमाल करें। ये है जी, ये प्री नाइन का टेस्ट नंबर वन। अब इसके सिलेबसेस इस तरह हैं, ठीक है। प्री नाइन का टेस्ट नंबर वन, हर सब्जेक्ट का पहला टेस्ट कितने सिलेबस में से होगा। सिलेबस दिया हुआ पर्टिकुलर, इसकी खूबसूरती ये है, हमने इसका तवाजन किस तरह रखा। हमने लाइन रहा इंग्लिश के ऊपर आए, इंग्लिश और उर्दू का ये इशू बनता ना ज़्यादा, इंग्लिश और उर्दू का। देखिए, हमने हर चीज़ उसमें दे दी। पहला ही टेस्ट जो है ना, उसमें द सेवियर ऑफ मैनकाइंड एक स्टोरी होगी जी, डेफोडिल्स एक पोइम होगी। ये दो हैं जी सिलेबस। पहले टेस्ट का सिलेबस क्या है? द सेवियर ऑफ मैनकाइंड और डेफोडिल्स। अब पेपर में क्या होता है, स्टोरी में से क्वेश्चन भी आते हैं, जो टेक्स्ट है उसमें से ट्रांसलेशन भी आती है, उर्दू ट्रांसलेशन का, उसके क्वेश्चंस के आंसर्स भी आते हैं, उसकी एक्सरसाइज में से भी क्वेश्चन आते हैं। जब आपने एक स्टोरी पढ़ा ली तो उसमें से वो सारे क्वेश्चन पेपर में सेट हो गए। फिर एक नज़म आती है, यानी जिसकी आपने समरी लिख रही होती है, तो वो भी आ गई, ठीक है। और आगे देखें, बी के पोर्शन, चूज अ करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, ठीक है। उसका भी ऑब्जेक्टिव पोर्शन है, ये उसका सब्जेक्टिव पोर्शन है, ये क्या हो गया जी, ठीक है। वो सारे की सारी चीज़ें, अगर उसमें लेटर है तो हमने एक लेटर भी दे दिया, उसमें स्टोरी है तो एक स्टोरी भी दे दिया, अगर उसमें ऐसे है तो एक ऐसे भी दे दिया, फाइव वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाने हैं वो भी दे दिया, फ्रेजेस हैं वो भी दे दिया। तो टेस्ट वन का सिलेबस पता किस तरह का नज़र आएगा भैया? आपका टेस्ट वन होना है, ज़रा गौर कीजिएगा, इंसानी नफ्सियात, बच्चे को पता मेरा टेस्ट वन है, जब वो सिलेबस देखता है कहता है टेस्ट में एक ही समरी आनी है, तो सिलेबस में भी एक ही समरी है, मौज हो गई, लिहाजा वो समरी याद कर लेगा। अच्छा, टेस्ट में क्वेश्चन आंसर आने हैं, ट्रांसलेशन आनी है, एक ही कहानी में से आएगी, उसने कहानी भी तैयार कर लिया, ठीक है। वो एक ही लेटर आना है, उसने लेटर भी तैयार कर लिया, सारी चीज़ें एक एक तैयार हो जाएंगी।
पहला टेस्ट का जो ही सिलेबस खत्म होगा, सजेस्ट किया होता है कि ये 8 दिन का सिलेबस है या 10 दिन का सिलेबस, जो ही सिलेबस खत्म हुआ उसका क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा, इसी में से आपने वो टेस्ट लेकर रिकॉर्ड का हिस्सा बना लेना। उसके बाद आ गया अब दूसरा टेस्ट, दूसरे टेस्ट में भी यही होगा, एक स्टोरी, एक नज़म, एक लेटर, ठीक है, इस तरह की चीज़ें होंगी, तो वो भी याद होगी। अब देखें थोड़े ही अरसे में दो टेस्ट हुए, दो नज़में याद हो गई, दो स्टोरियाँ याद हो गई, एक तीसरा टेस्ट हुआ उसमें भी ऐसा हो गया। इन द मीन वाइल सेमेस्टर पूरा हो गया, अब सेमेस्टर एग्जाम होना है, तो सेमेस्टर एग्जाम का सिलेबस क्या है, Test 1 + Test 2 + Test 3, ये उसका सिलेबस है। उन तीनों टेस्टों को सेमेस्टर एग्जाम में रिवाइज कर देंगे, कमाल हो गया ना, पूरे सेमेस्टर में जो पढ़ा हुआ है उसी में से पेपर आएगा, बाय चांस नहीं आएगा, सिलेबस बना बनाया। तो ऐसी चीज आपको मिल रही है जो सिलेबस भी है, जो पेपर स्टाइल भी है, ये अगर आप देखेंगे तो पूरा ये देखो क्वेश्चन पेपर भी उसने डाउनलोड कर दिया, ये पहले टेस्ट का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। मटीरियल के हवाले से आपके जेहन में कोई चीज हो तो पूछ लें। सेटअप में जाएं जी, सेटअप बताएं जी, सेटअप, सेटअप में ये मैनेज इमेजेस, ठीक है। अब देखिए ये आपके सामने एक विंडो आ गई, उसमें सारे इमेजेस बताए हुए हैं, स्कूल नेम का इमेज ऊपर रख दें, ये साइड पे जाएं, ये कौन सा था, एक अच्छा चले स्क्रीन छोटी है, ये बिल्डिंग इमेज आ गया, लिखा होगा ना कौन कौन से इमेज डालने हैं, वहां पे क्लिक करें इमेज डाल दें, ये बिल्डिंग इमेज आ गया। ऑर्गेनाइजेशन का, आपकी ऑर्गेनाइजेशन पेन स्कूल सिस्टम है या पंजाब एजुकेशन नेटवर्क है, वो वाला मोनो यहाँ पे डाल दिया। एजुकेशन डिपार्टमेंट, जिस महकमे के साथ आप काम कर रहे हैं वो डाल दिया। प्रिंसिपल स्टैम्प, फिर अगर आपका अफिलिएटेड अदारा है गुजराला बोर्ड के साथ तो अफिलिएशन भी डाल दें। महकमे के साथ आप रजिस्टर्ड होते हैं, अफिलिएट नहीं होते, अफिलिएट आप गुजराला बोर्ड के साथ होते, तो सारी ऑप्शंस मौजूद हैं।